हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब हम चाइनीज़ एयरफोर्स की बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट में, तो हम एक फैक्टर को ज़रूर काउंट करते हैं कि जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है पीएलए एयरफोर्स के लिए वो हायर एल्टीट्यूड पे है, जिसकी वजह से वहाँ पर एयर थिन है और इनके एयरक्राफ्ट अपने पूरे पेलोड के साथ टेक ऑफ नहीं कर सकते और इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या तो फ्यूल से या तो वेपन पेलोड से। साथ में जो इनके मेन लैंड के बेसिस हैं वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ते हैं इंडिया और चाइना के बॉर्डर से, तो ये एक डिसएडवांटेज चाइना के लिए हुआ करता था। पर अब सिचुएशन चेंज हो रही है और काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। तो पहले चाइना के पास जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं उनकी कमी थी, जैसे कि एयर टू रिफ्यूलर्स हो गए, एवैक्स हो गए, लेकिन जब से इन्होंने खुद का एक बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट बनाया है तो कई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो खुलकर सामने आई हैं। तो पहले इनके पास खाली 3 ही IL-78 एयरक्राफ्ट हुआ करते थे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए, पर अब इनके द्वारा Y-20U एयरक्राफ्ट बनाया गया है जो कि डेरिवेटिव है Y-20 एयरक्राफ्ट का, और ये इनका नया एयर टू एयर रिफ्यूलर है जो कि ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी के साथ आता है और इनके मैक्सिमम फाइटर्स को रिफ्यूल कर सकता है, और इनको इन्होंने अच्छे खासे नंबर में प्रिक्योर करना स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक डेटा में है उसके हिसाब से अभी तक इनके पास करीबन 8 ऐसे टैंकर्स हैं, पर फ्यूचर में और ये लेने वाले हैं। तो इनको अपनी एयरफोर्स को एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि इनके पास प्रॉपर एयर टू एयर रिफ्यूलर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इनके एयरक्राफ्ट कम फ्यूल के साथ टेक ऑफ करके अपने पूरे वेपन पेलोड के साथ हवा में ही रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। तो जो पहले बड़ा डिसएडवांटेज हुआ करता था, अब वो इनके लिए डिसएडवांटेज नहीं रह जाएगा। तो इनका ये जो Y-20 एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि ये इनकी कार्गो कैरिंग कैपेसिटी तो बढ़ाता ही है, जिसकी वजह से इनकी आर्मी को भी मोबिलाइज करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी और बहुत कम समय में इनके अच्छे खासे इक्विपमेंट्स और ट्रूप्स एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज कर पाएंगे। ये साथ ही साथ एवैक्स में भी कन्वर्ट किया जा सकेगा, इसके एवैक्स वाले वर्जन पर काम किया जा रहा है। तो इस एयरक्राफ्ट को लेकर हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये चाइना को कितना बड़ा एडवांटेज दे रहा है इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप एक रेजोल्यूशन लें नए साल को लेकर, अपने गोल्स को अचीव करने का, जिसके लिए आप तैयारियों में कोई भी कमी ना छोड़ें, और इसके लिए आपकी मदद करेगा अनअकैडमी। तो अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं NDA, CDS, FCAT की, तो 23% ऑफ तक आपको मिल सकता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर, जिसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा Matrix10। ये चीज़ हम आपको बता दें कि ऑफ़र खाली लिमिटेड पीरियड के लिए ही है, और जो इनके लाइव बैचेस हैं ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखिए, रेफरल कोड यूज़ करना है Matrix10 अपने ऑफ़र को इनेबल करने के लिए, और जितनी आप सेविंग करेंगे ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सपोर्ट यहाँ पर आपके पास है, डिटर्मिनेशन आपको खुद लाना है, रिजोल्यूशन लीजिए और इस गोल पर लग जाइए। सपोर्ट भी आपकी तभी हेल्प करेगा अगर आप अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लाइव बैचेस 1 जनवरी से स्टार्ट होंगे और ज़रूरी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब वापस आते हैं Y-20 एयरक्राफ्ट पर। तो चाइनीज़ Y-20 एयरक्राफ्ट एज एन कार्गो एयरक्राफ्ट बनाया गया था जो कि 55 से 66 टन का पेलोड कैरी कर सकता है। तो पेलोड कैरी करने के मामले में ये पुराने IL-76 के वर्जन से ज़्यादा है, और जो नए IL-76 के वर्जन हैं जिन्हें IL-76 MD-90A कहा जाता है, उनकी मैक्सिमम कार्गो कैरिंग कैपेसिटी से कंपेरेबल है। जब बात आती है C-17 ग्लोबमास्टर की, तो वो एक डिफरेंट लीग का एयरक्राफ्ट है, अराउंड 75 टन के आसपास की उसकी कैपेसिटी है, प्लस कार्गो एरिया अच्छा खासा है, तो बड़े बड़े व्हीकल्स भी उसमें आ जाते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर आप Y-20 के कार्गो एरिया को देखेंगे तो लेंथ और चौड़ाई दोनों कंपैरेटिवली कम है, ऑल्दो Y-20 की लेंथ और चौड़ाई IL-76 के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा पड़ जाती है। तो Y-20 स्पेसिफिकेशंस के मामले में आपको IL-76 से एक बेटर प्लेटफॉर्म मिलता है। यहाँ पर जो इंजन्स यूज़ किए जाते हैं ये पहले IL-76 के स्लो VF D-30 इंजन थे, अब इनको रिप्लेस कर दिया गया है शेंगयांग WS-20 इंजन से, जो कि डराइव्ड किए गए हैं WS-10 इंजन से। WS-10 लो बाईपास रेशियो वाला इंजन था, WS-20 हाई बाईपास रेशियो वाला इंजन है जो कि ज़्यादा इकोनॉमिकल है। तो WS-20 इंजन में आपको थ्रस्ट बेटर मिल जाता है सोलो VF D-30 इंजन से, जो कि पहले Y-20 में लगे थे। साथ ही साथ इवन IL-76 में भी ये इंजन सब रिप्लेस हो गए हैं और MD-90 इंजन्स को उनके द्वारा यूज़ किया जाता है, तो बेटर थ्रस्ट की वजह से यहाँ पर आपको ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी मिल जाती है, इसलिए Y-20 अब अराउंड 66 टन के आसपास पेलोड कैरी कर सकता है।
तो ये जो WS-10 इंजन है ये एक तरीके से बैकबोन बन चुके हैं पीपल लिब्रेशन आर्मी एयरफोर्स के, क्योंकि इनके मैक्सिमम एयरक्राफ्ट में या तो ये इंजन यूज़ किए जाते हैं या तो इनके डेरिवेटिव यूज़ किए जाते हैं, चाहे हम बात करें फ्लैंकर सीरीज की, J-10 की, या फिर करंटली इवन J-20 की, और फिर Y-20 तो एक एग्जाम्पल है ही। तो ये चाइना के रिस्पेक्ट में काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि सिंगल इंजन ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स में है तो स्पेयर सप्लाई वगैरह सरदर्द नहीं बनेगी। तो Y-20 को जो दूसरा एडवांटेज मिलता है IL-76 के कंपैरिजन में, ये इसकी बॉडी है। तो Y-20 में मैक्सिमम कंपोजिट मटेरियल्स को यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से वज़न जो है काफ़ी कम रहता है, पर मजबूती में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। साथ में Y-20 को लेकर जो सबसे बड़ा अचीवमेंट किया गया है वो इसके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर किया गया है। तो Y-20 पहला कार्गो विमान होगा जिसमें 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट टाइम और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दोनों कम रहते हैं। तो यहाँ पर और इनोवेटिव वेज को चूज़ किया गया, जिसमें मॉडल बेस्ड डेफिनेशन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को यूज़ किया गया, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा घट गया। तो जिन कामों में महीनों लगते थे अब कुछ घंटे लगने लगे, जिसकी वजह से एक डेटा के हिसाब से जो वर्क है वो 40% रिड्यूस हुआ, प्रोडक्शन के लिए प्रिपरेशन का जो समय है वो 75% घटा, और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो है वो करीबन 30% घट गई, जिसकी वजह से चाइना द्वारा ये एयरक्राफ्ट काफी तेजी से बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसके डिफरेंट वर्जन पर भी काम किया जा रहा है। जो एयर टू एयर रिफिलिंग वर्जन है ये तो सक्सेसफुल प्रूफ हो ही चुका है, और इन्होंने सर्विस में लेना भी स्टार्ट कर दिया है। करीबन 8 के आसपास ये ऑपरेट कर रहे हैं, पर अभी इनके एवैक्स पर भी काम चल रहा है, जो कि लॉन्ग एंड्योरेंस तक हवा में नज़र रखने में सक्षम होंगे, तो ये इनकी सर्विलेंस कैपेबिलिटी को भी बूस्ट करेगा। तो कुछ ही दिन पहले हमारे एयर चीफ मार्शल द्वारा पॉइंट आउट किया गया, हमारे इंडियन एयरफोर्स में जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं उनकी शॉर्टेज है, जिसमें हम रिफ्यूलर से लेकर इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट से लेकर एवैक्स तक सब में रिक्वायरमेंट से पीछे हैं। और ये जो हम रिक्वायरमेंट से पीछे चल रहे हैं ये नई नहीं है, ये कई सालों से है, और कुछ रिक्वायरमेंट्स तो कई दशकों से है। तो डेफिनेटली एकदम से हम चाइना की तरह Y-20 एयरक्राफ्ट को डेवलप नहीं कर सकते। तो चाइना में बड़े सिविलियन एयरक्राफ्ट को लेकर काम पहले से चल रहा था, कोमैक जैसी कंपनीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो इनके पास इस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को बनाने का बैकग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद था, प्लस यहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी है, और रिक्वायरमेंट उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं है, चाइना की है। उनकी सर्विस में अच्छे खासे नंबर में Y-20 एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि उनके मिलिट्री सुपर पावर एम्बिशन है, तो उनको अपनी फोर्स को मोबिलाइज करने के लिए अच्छी खासी फ्लीट चाहिए होगी कार्गो एयरक्राफ्ट की। वहीं पर हमें डिफेंस के लिए चाहिए, तो हमारी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारे लिए चीज़ों को इम्पोर्ट करके उसमें अपने हिसाब से चेंजेस करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, पर उसे भी जल्दी इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि चाइना ने ये जो गैप है उसको ब्रिज कर लिया है, और जो अपनी डिफिशियंसीज थी उन पर काम कर लिया है। होपफुली यहाँ पर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जल्दी निकले, और इंडियन एयरफोर्स को भी अपने फोर्स मल्टीप्लायर्स जो हैं वो जल्द से जल्द मिल पाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,